तो राजौरी में आज पांचवें दिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाके में जंगल में छुपे आतंकवादियों की तलाश के लिए जवानों ने मोर्चा खोल रखा है और अब तक अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान ड्रोन की मदद ले रहे हैं ताकि दूर दूर तक निगरानी रखी जा सके। जमीन पर तलाशी अभियान, आसमान से आतंकियों पर नजर, सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस सब तैनात हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं जवान। जम्मू कश्मीर में राजौरी में जहां सेना के काफिले पर हमला हुआ वो जगह पाकिस्तान की सरहद से मात्र 50 से 60 किलोमीटर दूर है। इसे नक्शे में समझिए। पाकिस्तानी सरहद के करीब का ये इलाका घने जंगलों वाला है। दक्षिण की ओर राजौरी है और ऊपर उत्तर की ओर पूंछ का सुरनकोट इलाका और इसके बीच में ये डेरा की गली और बफलियाज का वो इलाका है जो बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों से होकर गुजरता है। इसी बिहड़ और बियाबान इलाके में आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के ऊपर पहाड़ी के ऊपर से हमला किया। इन्हीं में से एक मोड़ पर हमला उस वक्त हुआ जब सेना के काफिले की रफ्तार काफी कम थी। हमले के बाद आतंकवादी जंगलों में छुप गए। विषम भौगोलिक हालात की वजह से आतंकी अक्सर यहां साजिशें रचते रहे हैं। इस बार उन्होंने सेना के काफिले को निशाना बनाया। आंकड़े बताते हैं कि राजौरी में बीते 3 साल में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले इस साल हुए हैं। 2021 में 10 आतंकी हमले हुए थे जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 14 आतंकी मारे गए थे। 2022 में 7 आतंकी हमले हुए जिसमें 2 स्थानीय निवासियों की मौत हो गई और 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उस साल 7 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था, जबकि इस साल अब तक आतंकियों ने 13 हमलों को अंजाम दिया है जिसमें 7 नागरिकों की जान गई है जबकि 11 जवान शहीद हो चुके हैं। जवाबी कार्रवाई में 10 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इस क्षेत्र का भूगोल ऐसा है कि यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी कठिन होता है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में नेचुरल हाइडआउट्स है, यानी कि प्राकृतिक गुफाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं आतंकियों की पनाहगाह बन गए हैं। और साथ ही में जो चिंता का विषय ये है कि इन्होंने आतंकवादियों ने अपना जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है पिछले 2 वर्षों में उसको काफी मजबूत किया है जिसके कारण उनको सहायता मिल रही है कुछ मददगारों से। जो स्थानीय कुछ मददगार हैं उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो आतंकवादियों को मदद कर रहे हैं और इसी के कारण आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है सफल रह रहे हैं। माना जा रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से राजौरी अब दहशतगर्दों का एपिसेंटर बन गया है। यहाँ पहाड़ी इलाके और घने जंगल भी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाते हैं, लेकिन आतंकियों के खिलाफ एक बार फिर सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोल दिया है और मुश्किलों के बाद भी उनकी तलाश तेज है। राजौरी से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।